मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मायसेल्फ मनोज कुमार शर्मा, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर। आई वेलकम यू ऑल इन हर घर पाठशाला। स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इन दैट वी आर डूइंग सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ क्लास 11th एंड दिस इज लेक्चर 11th। बच्चों, our today's subtopic is rules for IUPAC nomenclature of compounds containing functional group, multiple bonds and substituents। जो आज हम ऐसे हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करेंगे बेटा जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं और सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है बेटा। और बेटा, जब हम ऐसे हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करते हैं जिनमें एक फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं और सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, देन वी हैव टू फॉलो सम एडिशनल रूल्स। और वही एडिशनल रूल्स आज हम डिस्कस करेंगे। ना बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट द पेरेंट चेन। अभी तक हमने बात की थी कि वी सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन बेटा, और अब मैं बात करूंगा कि हमने सिलेक्ट करनी है बेटा लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जिसमें आपका क्या हो, फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो और मल्टीपल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट हो बेटा, और साइड सब्स्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट हो। और बेटा, यहां यह मैटर नहीं करेगा कि जिस चेन को हम पेरेंट चेन सिलेक्ट कर रहे हैं वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन है या नहीं है। सो बच्चों, लेट्स टेक एन एग्जांपल जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स से बेटा, दिस इज सम हाइड्रोकार्बन जिसमें आपका क्या है, एक फंक्शन ग्रुप है और एक सब्स्टिट्यूएंट है। अब बच्चों, जब हम इस हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करेंगे देन वी हैव टू सिलेक्ट द पेरेंट चेन, क्लियर? और देन वी हैव टू गिव द नंबरिंग। सो लेट्स से आई एम गिविंग द नंबर 1 टू दिस कार्बन जिसके साथ आपका फंक्शन ग्रुप अटैच्ड है बेटा। और ऐसे कार्बन को हम लोएस्ट नंबर देंगे बेटा जिसके साथ आपका फंक्शन ग्रुप अटैच्ड है। सो दिस इज 1, 2, 3 एंड 4। और देयर इज आल्सो द पॉसिबिलिटी बेटा, यू नो, 1, 2, 3, 4, 5। अब बेटा, जो ग्रीन वाले नंबर्स हैं बेटा, अगर हम नंबरिंग इस तरह करें तो लॉन्गेस्ट चेन क्या है आपकी, दैट इज हैविंग योर 5 कार्बन एटम्स। जबकि आपका जो एक्चुअल पेरेंट चेन जो हम सिलेक्ट करेंगे बेटा और जो होनी चाहिए वो क्या है, 1, 2, 3, 4। नाउ बेटा, जो एक्चुअल चेन है बेटा, एक्चुअल पेरेंट चेन जो है, दैट इज हैविंग योर ओनली 4 कार्बन एटम्स बेटा। और ये क्यों है बेटा, बिकॉज वी हैव टू सिलेक्ट सच अ कार्बन कार्बन चेन जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो। अगर हम इस कार्बन कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे तो क्या है, देर इज नो फंक्शन ग्रुप बेटा। सो वी हैव टू सिलेक्ट दिस पेरेंट चेन बेटा। अब इसमें तो 4 कार्बन एटम है और इसमें 5 है, तो ये यहां मैटर नहीं करेगा बेटा। अगर स्मॉलर कार्बन कार्बन चेन भी है तो विल सिलेक्ट दैट चेन एज द पेरेंट चेन। बट रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, कि आपका इट मस्ट हैव, इसके इस कार्बन कार्बन चेन में क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। अब हियर पेरेंट चेन कंटेन्स 4 रादर देन 5 कार्बन एटम्स बेटा, और इसका नाम क्या रहेगा बेटा। नाउ दिस इज 2 पोजीशन पे आपका CH2CH3 इज देयर, सो इट्स अ 2 इथाइल दैट वी हैव टू राइट एज अ प्रीफिक्स बिकॉज इट्स अ साइड सब्स्टिट्यूएंट। देन बेटा टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 4, तो इट्स अ बर्ड रूट इज अ ब्यूट। देन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है बेटा एन। देन 1 पोजीशन पे बेटा आपका अल्कोहलिक ग्रुप है, दैट इज अ ओल इज द सफिक्स फॉर दिस, सो इट्स अ 1-ol। अब बेटा एन का ई को हमने ड्रॉप करना है, देन इट्स नेम विल बी योर 2-ethyl-butan-1-ol। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। नाउ बच्चों, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब इसमें क्या है, द केटोनिक फंक्शनल ग्रुप इज देयर, 1 मिथाइल ग्रुप इज ऑल्सो देयर, दैट इज अ सब्स्टिट्यूएंट ओवर हियर। और बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस हाइड्रोकार्बन बेटा। अब नाउ वी हैव टू सिलेक्ट द चेन बेटा। सो
ऐसी चेन को हमने सिलेक्ट करना है जिसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप भी हो बेटा, साइड सब्सटेंस भी हो और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो। सो बच्चों ये तो क्लियर ही हो गया कि आपकी जो आपकी पेरेंट चेन है दैट इज दिस वन बेटा, एंड दिस इज हैविंग योर हाउ मेनी कार्बन एटम्स, लेट्स सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, देयर आर योर 6 कार्बन एटम। अगर बेटा हम नंबरिंग आप इस तरह करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नाउ देयर आर द 7 कार्बन एटम्स, बट ऑल्दो इट इज द लॉन्गेस्ट चेन, लेकिन इसमें आपका जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नॉट देयर, सो बेटा विल सिलेक्ट द दिस लॉन्गेस्ट चेन एज द पेरेंट चेन। इज दैट क्लियर? नाउ सिंस जो पेरेंट चेन है यहां दैट कंटेन्स द 6 कार्बन एटम्स रादर देन द 7 कार्बन एटम्स, और इसका जो नाम रहेगा बेटा दैट इज ओ 3 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, और 4 पोजीशन पे बेटा 3 कार्बन एटम्स है यहां, सो 1, 2 and 3 बेटा, सो इट्स अ प्रोपाइल, सो 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल, उसको हम एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे बेटा बिकॉज दिस आर साइड सब्स्टिट्यूट, देन योर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स द पेरेंट चेन दे आर योर 6 बेटा, देन हेक्स आपका वर्ड रूट रहेगा इसमें, देन हेक्स विल बी योर वर्ड रूट हियर बेटा, देन 5 पोजीशन पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, देन इट्स 5 इन, और 2 पे आपका बेटा केटोनिक ग्रुप है, देन इट्स 2 ओन, और इन का ई जो है बेटा हमने ड्रॉप करना है बिकॉज नेक्स्ट इज योर ओन दैट इज योर वावल ओ, सो द नेम इज 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल हेक्स 5 इन 2 ओन। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। नाउ बच्चों नेक्स्ट रूल जो है दैट इज योर लोएस्ट लोकेंट रूल फॉर द फंक्शन ग्रुप। बच्चों जब हम पेरेंट चेन को नंबरिंग करेंगे तो वो नंबरिंग हम इस तरह करेंगे कि जिस कार्बन एटम के साथ आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन एटम को हम लोएस्ट नंबर देंगे बेटा, और जब हम नंबरिंग इस तरह करेंगे उसमें अगर बेटा लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल वायलेट भी होता है देन इट डजंट मैटर। ना बच्चों लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स से दिस इज सम हाइड्रोकार्बन बेटा जिसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक आपका कीटोनिक ग्रुप है। अब नंबरिंग हम इस पेरेंट चेन को इस तरह करेंगे कि बेटा इस फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, तो नंबरिंग कहां से होगी बेटा, इस साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो बेटा अब यहां अगर हम नंबरिंग इस साइड से करते हैं बेटा इसी की, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप कीटोनिक ग्रुप कौन सी पोजीशन पे, 4 पे। इज दैट क्लियर? यहां क्या है लोएस्ट लोकेंट जो है इस सी डबल बॉन्ड ओ का बेटा दैट इज 3 बट नॉट 4। क्यों? क्योंकि हमने इसको लोएस्ट नंबर देना है और दैट्स व्हाई इट्स करेक्ट, वेयर एज दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि यहां क्या है बेटा 4th पोजीशन पे है, सो दिस इज इनकरेक्ट। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल बेटा, अब नाउ हियर वी आर हैविंग सम हाइड्रोकार्बन जिसमें आपका क्या है एक फंक्शनल ग्रुप है और 2 आपके साइड सब्स्टिट्यूएंट्स हैं बेटा। अब इसकी नंबरिंग हमने इस तरह करनी है कि इस फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, सो लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? यहां क्या है सेट ऑफ लोकेंट्स क्या है बेटा, यहां 2 पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप है और 4 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो 2, 4, 4। 2 पे मिथाइल ग्रुप है, 4 पे भी मिथाइल ग्रुप है और एक और मिथाइल ग्रुप भी 4 पे है बेटा, तो इट्स सेट ऑफ लोकेंट्स क्या हुए इसके लिए 2, 4, 4। देन बेटा अगर यही नंबरिंग हम इस तरह करते हैं 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, जो आपके सेट ऑफ लोकेंट्स हैं वो कितने क्या है 2, 2, 4, क्योंकि 2 पे आपका मिथाइल ग्रुप इज देयर, 2 मिथाइल ग्रुप्स आपके 2 पोजीशन पे है बेटा और एक आपका 4 पोजीशन पे है, तो सेट ऑफ लोकेंट्स आपके क्या हो गए 2, 2, 4। अब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल जो कहता है बेटा उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग ये होनी चाहिए बेटा हमारी, लेकिन दिस इज करेक्ट बेटा। व्हाई इट इज करेक्ट बेटा, क्योंकि हमने ऐसे कार्बन को लोएस्ट नंबर देना है बेटा जिसके साथ फंक्शन ग्रुप अटैच्ड है, सो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट बेटा, इन द पेरेंट चेन इफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट बेटा, या फिर दोनों ही प्रेजेंट हैं बेटा इन एडिशन टू द फंक्शनल ग्रुप,
देन बेटा जो आपके लोकेंट्स हैं फॉर द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वो क्या होंगे, दैट विल बी ऑटोमेटिकली फिक्स्ड इफ वी विल गिव द लोएस्ट लोकेंट टू द फंक्शनल ग्रुप। इज दैट क्लियर कि हम अगर लोएस्ट नंबर जो है उस कार्बन को दें बेटा जिसके साथ आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स के लोकेंट्स जो है ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिस इज देयर, अब बेटा अब नाउ दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप इज हियर, तो इसको हमने लोएस्ट नंबर देना, तो इट्स अंडरस्टूड वी हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो बेटा जो आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के जो लोकेंट्स हैं, दे आर ऑटोमेटिकली फिक्स्ड ओवर हियर जब हमने फंक्शनल ग्रुप को जो है लोएस्ट नंबर दिया। नाउ इट्स नेम इज, नाउ बेटा वर्ड आउट हियर इज ऑक्ट, एंड 3 पे आपका इन बेटा और 6 पे आपका आइन है, तो 3 इन 6 आइन, और 2 पे आपका ओन है। अभी बेटा हाइफन ये तो आई थिंक अब तक क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह हम लिखते हैं। सो इन का ई एलिमिनेट किया बेटा क्योंकि नेक्स्ट यूज़ अगेन वावल, वाई एन ई का भी ई रिमूव किया बेटा अगेन नेक्स्ट यूज़ वावल, सो इट्स ऑक्ट, 3 इन 6 आइन 2 ओन। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। लेकिन बेटा अगर आपके दोनों ही डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है दे आर नॉट द पार्ट ऑफ अ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन का वो पार्ट नहीं है बेटा, देन जो आपका लोएस्ट लोकेंट है बेटा वो हम उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को असाइन करेंगे या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को असाइन करेंगे जो फंक्शनल ग्रुप के ज्यादा करीब है बेटा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल बेटा, जैसे दिस इज कीटोनिक ग्रुप बेटा और डबल बॉन्ड इज देयर और ट्रिपल बॉन्ड इज देयर। अब जब हमने अगर हम यहां देखें बेटा, इससे पहले कि हम आगे चलें, अगर हम यहां देखें इट्स 2, 3, 4, 5 पोजीशन पे आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और यहां 1, 2, 3, 4 और 4 पे आपका डबल बॉन्ड है बेटा। सो बेटा विल सिलेक्ट दिस कार्बन चेन बेटा, क्यों, क्योंकि यहां जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है दैट इज मोर क्लोज टू दिस फंक्शनल ग्रुप, एंड सो नंबरिंग इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेटा। तो ये वाला जो है बेटा दैट विल एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट बेटा। अब बच्चों दिस इज अ साइड सब्स्टिट्यूएंट, और इस साइड सब्स्टिट्यूएंट को हम एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे, एंड दिस साइड सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच टू द थर्ड कार्बन ऑफ द पेरेंट चेन बेटा। और जब हम इसकी नेमिंग करेंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव द नंबरिंग टू दिस, और नंबरिंग किस तरह देंगे, ऐसे कार्बन को पहला नंबर देंगे बेटा जो आपका मेन चेन के साथ अटैच्ड है। सो दिस 1, 2, 3, सो 2 पोजीशन पे आपका क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। सो बेटा 3 कार्बन एटम्स हैं प्रॉप, 2 पोजीशन पे आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है 2, एंड आइन बेटा देन आइल, इसको क्योंकि एज अ अल्काइल ग्रुप हम लेंगे बेटा, सो इट्स अ प्रॉप 2 आइनाइल बेटा, देन ब्रैकेट क्लोज, देन आफ्टर दैट बेटा देर आर यू 6 कार्बन एटम्स वर्ड रूट हेक्स, और आपका 4 पोजीशन पे बेटा डबल बॉन्ड है, देन 4 इन देन 2 ओन। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल। यहां अगर आप ध्यान दें बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन जब हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे बेटा तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से उनको हम कंसीडर करेंगे पेरेंट चेन में जो आपके इस फंक्शनल ग्रुप के ज्यादा करीब हैं, नजदीक हैं बेटा। तो बेटा जब हम नंबरिंग देंगे बेटा तो 1, 2, 3, 4 पोजीशन पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, देन 5 देन 6, लेकिन यहां से 3, 4, 5 पे ही है बेटा, सो दिस नंबरिंग इज प्रॉपर, क्लियर, बिकॉज दिस इज क्लोज टू द दिस वन बेटा, तो दिस इज अ पेरेंट चेन, सो नाउ दिस वन इज टेकन एज अ साइड सब्स्टिट्यूएंट बेटा। और जब हम साइड सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे बेटा देन वी हैव टू गिव द नंबरिंग टू दिस वन, तो दिस कार्बन इज गिवन द नंबर 1, क्यों, क्योंकि दिस इज अटैच टू द पेरेंट चेन हियर, सो 1, 2 एंड 3। सो बच्चों दिस वी हैव टू राइट एज अ सब्स्टिट्यूएंट एज अ अल्काइल ग्रुप। नाउ बच्चों दिस इज 3 प्रॉप 2 इनाइल ब्रैकेट क्लोज, आफ्टर दैट हेक्स 4 आइन 2 ओन बेटा, दिस इज द नेम ऑफ योर दिस हाइड्रोकार्बन। ना बच्चों नेक्स्ट रूल इज योर नंबरिंग द चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स।
बच्चों चेन टर्मिनल फंक्शन ग्रुप्स वो फंक्शन ग्रुप्स होते हैं विच आर ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोजिशन ऑफ द कार्बन चेन। और ये क्या है? CHO, COH, COCl and CN etc. These are your chain terminating functional group बेटा। और जब हम इनकी नंबरिंग करेंगे बेटा तो हम इनको ऑलवेज विल गिव द नंबर वन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल बेटा, लेट्स से दिस वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन एटम्स आते हैं इन द पेरेंट चेन बेटा। सो दिस इथाइल ग्रुप इज द सब्स्टिट्यूट हियर। सो टू पोजिशन पे है, तो दिस टू इथाइल देन ब्यूट बेटा देन एन देन वन ओइक एसिड। सो ई रिमूव करना पड़ेगा हमें, देन इट्स टू इथाइल ब्यूटान वन ओइक एसिड। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। सो विद दिस थैंक यू, होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।